मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th वर्ड एंड एक्सप्रेशन. आज पढ़ेंगे यूनिट 9. यूनिट 9 क्वेश्चंस. रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड टिक द करेक्ट फॉर ऑप्शन टू कंप्लीट ईच स्टेटमेंट्स. The writer says that the tree belong to him because Uttar has the B. His grandfather was too old to climb it. Read the statement given below and pick the correct option to complete each sentences. Statement को पढ़ना है और उसके बाद इसको टिक करके जो सही ऑप्शन है उसको कंप्लीट स्टेटमेंट में लिखना है. तो वन है द राइटर सेज दैट द ट्री बिलोंग टू हिम बिकॉज़ द बी आंसर इज द राइट आंसर इज ग्रैंडफादर वाज टू ओल्ड टू क्लाइम इट. सेकंड द ट्री वाज सी इज द राइट आंसर एज ओल्ड एज देहरादून. थर्ड द राइटर कुड हाइड बिहाइंड द ट्री बिकॉज़ B is the right answer. It had branches with thick green leaves. Fourth, which of the following happened first in the story? B is the right answer. The squirrel resented my presence. Five, the main purpose of the last paragraph was C is the right answer to describe the right writer's friendship with the squirrel. Text number 2 है किसी वर्कबुक पेज नंबर 129 and 130. स्टूडेंट आपने इंग्लिश की वर्ड एक्सप्रेशन बुक का 129 पेज नंबर निकालिए और उसमें ये क्वेश्चंस है इसको आप रीड करिए और देखिए. वन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द तहरवादे शर्ट फुटेड माउंटेन गोट. ए इज द राइट आंसर द मदर वाज एनकरेजिंग हर यंग. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन replace adorning itself to it paint. C is the right answer. Designing to one's love. आप पुका गैलरी में देखें C वर्कबुक पेज नंबर 131 and 132 का पेज निकालिए. देखिए फिल इन द ब्लैंक में खाली स्थान भरना है विद appropriate. Appropriate का होता है उपयुक्त एडजेक्टिव यानी होता विशेषण जो किसी भी व्यक्ति या किसी चीज की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं. गिवन इन द ब्रैकेट आफ्टर एवरी सेंटेंस हर वाक्य में उपयुक्त विशेषण को लिखना है. ठीक तो दो दिए गए हैं इन दोनों से पहले जो विशेषण सही है. फर्स्ट है चिल्ड्रन सफर इन विंटर बिकॉज ऑफ उत्तर है इसका ब्लॉग ब्लॉग नोट. द म्यूनिसिपैलिटी वॉज कमांडेड फॉर द आंसर इज द ब्यूटीफुल ब्यूटीफाइड नहीं ब्यूटीफुल सेकेंड आंसर आएगा. फिर है द यंग स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर यह आएगा प्रोटेक्टिव द राइट आंसर. किसी प्रकार माई सिंग सिस्टर इज ए ग्रेसफुल ग्रेशियस नहीं ग्रेसफुल डेंजर. वी आर थैंकफुल टू हिज एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड इज द राइट आंसर. सी वर्कबुक पेज नंबर 132. अब रीअरेंज ईच सेंटेंसेस ऑफ द वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस यूज एप्रोप्रिएट उपयुक्त पंक्चुएशन मार्क्स. इसमें भी आपको क्रम अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित करके लिखना है. ठीक तो फर्स्ट आएगा इन सस्पेंस थिंग इट इज टू लाइफ आ मिजरेबल. तो आज शुरू होता है इट से इट इज ए मिजरेबल थिंग टू लाइव इन अ सस्पेंस. सेकंड लेसंस टॉट यूज हैज एक्सपीरियंस में इसमें देखो स्टूडेंट आप कॉमा लगे हैं. ठीक इनको अरेंज करके लिखना है. ठीक तो बी है Experience has taught us many lessons. Third में
बॉय फिर ऑलवर अडल जय अमित नो प्ले, तो उसमें सही जो अरेंजमेंट है वो आएगा ऑलवर कैन नो प्ले मी जय अडल बॉय. नेक्स्ट डी स्किल रिक्वायर्स टू ड्राइव हियर अ मोटर कार एंड एट द एंड वेरी टायर्ड द पोस्टमैन लुक्ड ऑफ द डोर. तो टू ड्राइव होएगा सबसे पहले अ मोटर कार रिक्वायर्स हियर एंड स्किल एट द एंड ऑफ द डे द पोस्टमैन लुक्ड वेरी टायर्ड. ये ग्रामर के जो मैं अकॉर्डिंग उसको लिखा दिया. ठीक नेक्स्ट आएगा टिप द करेक्ट आंसर्स एज यू लिसन कंप्लीट द सेंटेंस using the correct answer after you have listened to the passage. इसी प्रकार आपको फर्स्ट का आंसर आएगा वाइल्ड एनिमल, सेकेंड आएगा डिक्रीजिंग, थर्ड आंसर आएगा हॉटर समर डे एंड फ्लड्स, फोर का आंसर आएगा इलीगली, फाइव का आंसर आएगा पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स. ठीक है स्टूडेंट, तो आज आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको इसको रीड भी करना है, लर्निंग भी करना है और आपकी नोटबुक में नोट करना है. यूनिट 9 अच्छे से पढ़ाई करें. थैंक यू सर.